हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 27 अगस्त 2022 सबसे बड़ी शनि अमावस्या, 5 राशियों पर शनि भारी, करना न भूले ये एक काम। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद, भादो, कुछ ग्रहणी या पिठौरी अमावस्या कहते हैं। पितृ पक्ष से ठीक पहले आने वाली इस अमावस्या का शास्त्रों में बहुत महत्व है। यह तिथि विशेष रूप से धर्म कर्म, स्नान दान और पितृ तर्पण जैसे कार्यों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस साल भाद्रपद अमावस्या 27 अगस्त शनिवार के शुभ योग में पड़ने के कारण शनिश्चरी अमावस्या होगी। शनि के दोषों से उपाय के लिए भी यह तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। आज हम आपको उन राशियों के बारे में बताएंगे जिन पर शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रहा है और साथ ही जानेंगे शनि अमावस्या पर कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिससे शनि देव को प्रसन्न कर इन दोषों के प्रभाव को कम किया जा सके। भाद्रपद शनि अमावस्या शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में भाद्रपद शनि अमावस्या 27 अगस्त शनिवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त दोपहर 12:23 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त दोपहर 1:46 पर। किन राशियों पर साढ़े साथी और ढैया? ज्योतिष अनुसार ग्रहों के सेनापति शनि देव के 29 अप्रैल 2022 से राशि परिवर्तन के कारण कर्क राशि और वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है और वहीं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साथी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ज्योतिष अनुसार शनिश्चरी अमावस्या के दिन ढैया और साढ़े साथी से पीड़ित राशियों के जातकों को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं ये उपाय क्या हैं। शनिश्चरी अमावस्या उपाय। ज्योतिष अनुसार जिन जातकों को शनि की साढ़े साथी और ढैया चल रही है उन्हें 14 साल बाद भाद्रपद अमावस्या पर बन रहे शनि अमावस्या के इस शुभ योग में शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही शनिदेव को काली उड़द की दाल चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा काली उड़द की दाल से बना प्रसाद लोगों में वितरित करने से लाभ होता है। शनिश्चरी अमावस्या के दिन गुड़ और काली उड़द की दाल किसी भी शनि मंदिर में दान करने से लाभ मिलता है। कहा जाता है कि इससे शनि की साढ़े साथी या ढैया का नकारात्मक प्रभाव कम होने लगता है। साढ़े साथी और ढैया के दोष को कम करने के लिए शनिश्चरी अमावस्या के दिन छाया का दान करना चाहिए। इसके लिए किसी बर्तन में सरसों का तेल लें और उसमें एक सिक्का डाल दें। अब इसमें अपनी परछाई देखें और इसे किसी जरूरतमंद को दान कर दें। शनि अमावस्या के दिन दान के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव से अपनी मुश्किलें दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। शनि की साढ़े साथी या ढैया की दशा वाले जातकों को शनि अमावस्या के शुभ योग में शनिदेव की पूजा कर शनिदेव के मंत्र शन शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।